बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने आईफ्रोक के ज़रिए जो टोयोटा एक्वा का मीटर होता है उसकी ऑडियो जो रीडिंग होती है वो आपने ज़्यादा करनी है, कम करनी है, वो आपने किस तरह करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके बारे में, क्योंकि जो टोयोटा एक्वा होता है उसकी फ्रोम आईसी बहुत ही छोटी होती है, जिसको निकालना और फिर लगाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आईफ्रोक में इसकी ईफ्रोम आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने आईफ्रोक की कुछ वायर मीटर के ऊपर लगाकर किस तरह आपने उसकी ऑडियो में, अगर आपने उसकी ऑडियो प्रोग्राम करनी है तो प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसकी रीडिंग चेंज करनी है रीडिंग भी चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो ईफ्रोम की प्रोग्रामिंग होती है उसकी फाइल भी आप अपने साथ सेव कर सकते हो, उसमें नया फाइल भी डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरह आपने आईफ्रोक से ये काम बआसानी करना है। तो दोस्तों इसकी कुल 5 कनेक्शन होती है, 3 यहाँ मीटर पर इसके अपने निशान होते हैं, ये आपको दिखाई दे, 3 यहाँ पर आपने लगानी है और 2 वायर जो है वो इसके ग्रिप में लगानी होगी और ग्रिप इसके मीटर की जो ग्रिप जहाँ पर लगती है उसमें फिर डाल देनी है। तो दोस्तों इसकी कनेक्शन किस तरह करनी है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आईफ्रोक में ख़ुद हर मीटर का वो आपको बताएगा, जो भी मीटर हो आपने मीटर से गाड़ी सेलेक्ट करनी है फिर वो आपको डायग्राम देगा कि इसकी कौन सी वायर आपने मीटर पर का पर लगानी है, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले दोस्तों आपके साथ जो सॉफ्टवेयर है आईफ्रोक का आपने उसको खोल देना है, आपके साथ कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। उसके बाद दोस्तों इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड में यहाँ पर कार लिखा होगा, तो सबसे पहले आपने कार पर क्लिक करना है, उसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, और डैशबोर्ड में ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड को जैसे आप खोलेंगे यहाँ पर ये सारे ऑप्शन होंगे, तो इसमें आपने आ जाना है डेंसो 2 में, यहाँ पर डेंसो 2 लिखा होगा तो आपने इसमें डेंसो 2 सर्च करना है। अभी मैं सर्च करके फिर आपको दिखाता हूँ, तो अभी ये डेंसो 2 जैसे ही मुझे मिल गया मैंने खोल दिया। अब इसमें टोयोटा इक्वा आपने तलाश करना है, तो ये टोयोटा इक्वा आ गया 93C66 इसकी आईसी का नंबर है। तो जैसे ही हमने उसे खोला उसको रीड किया ये आपको दिखाई, जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सामने इसकी जो ऑडियो की रीडिंग है 50122, ये पहले से ही ये रिंग किसने चेंज की है, लेकिन सिर्फ आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप इसको मिटाएंगे इसमें जितने भी न्यू रीडिंग आप डालेंगे, चाहे अभी इसमें हम 70 या 75 हज़ार डालेंगे तो आपने वो या फिर लिख देना है। तो जैसे ही आप वो या फिर लिख देंगे अभी, ये काउंट ऑडियो मीटर या फिर 75 और जो आपकी मर्ज़ी 485, तो ये जैसे ही आप लिख देंगे उसके बाद आपने ये कैलकुलेट न्यू किलोमीटर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको राइट करना है, ये रेड एरो जो है ये राइट का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप राइट करेंगे ये इसका जो किलोमीटर है वो चेंज हो जाएगा, तो ये सक्सेसफुली चेंज। तो दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।